The channel. In this video I'm going to cover 40 important current affairs of April month in the form of your test. 40 important current affairs aapka revision ho jayega, PDF mil jayega, link description mein. Pehli baar visit kar rahe ho channel ko subscribe kar lijiye. Daily morning mein 5 baje current affair ki video aap tak mil jati hai. So shuru karenge aaj ka important revision portion. So start karte hain. Okay, test form mein hoga. Aap pehle khud hi answer karenge, main sath sath answers bataunga aapko. Which among the following countries weightlifter has been banned for doping violation from Tokyo Olympics? So, two countries ke like in pe pratibandh laga diya gaya tha. Kaun kaun si two countries hain aapko batana tha. Thailand and Malaysia ke jo weightlifters hain, because of doping violation inko in pe pratibandh laga diya from Tokyo Olympics jo ab next year honge 2021 mein. To yaad rakhiyega, correct answer is both B and C. बाकी डिटेल्स आपको हर स्लाइड में मिलती रहेगी अबाउट द कंट्री. वेल, ये एक रिवीजन पोर्शन है तो हम हर चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे. आपका हम यहाँ टेस्ट ले रहे हैं, सो आपको बाकी डिटेल्स हर पीडीएफ में लाइक स्लाइड में मिलती रहेगी. सो वी सेफ टनल कौन सी इंडियन स्टेट ने फर्स्ट लाइक इसको इंस्टॉल किया था? इस तरीके के टनल काफ़ी इंडियन स्टेट्स में भी लाइक सब्जी मंडी न्यू दिल्ली में भी इसके इंस्टॉल किया गया. सो वी सेफ टनल जिस नाम से इसे स्टार्ट किया गया था, सैनिटाइज पीपल, सो ये स्टार्ट किया गया था सबसे पहले तेलंगाना में, याद रखिएगा. बाकी स्टेट के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी. चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम किसे बनाया गया, ये आपको बताना है. फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज. ओके, सो जो चेयरमैन बनाया गया यूबी प्रवीण राव. ओके, आज अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एक चीज़ यहाँ शेयर करूँ, करंट अफेयर को याद रखने का एक ही मेन पॉइंट रहता है, वो रहता है रिवीजन. सो इस चैनल पे आपको मंथली वीडियोस मिलते हैं, लाइक मंथ के ख़त्म होने पे फुल मंथ करंट अफेयर मिलता है. बट वीकली इस तरीके से जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से हर वीक के एंड पे आपको एक रिवीजन पोर्शन मिलता है, लाइक या मंडे या संडे को वीडियो अपलोड होता है. ओके, सो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ट्रस्ट मी, करंट अफेयर आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाकी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, यूजर आईडी है. कोई भी अगर क्वेरी रहता है रिलेटेड टू करंट अफेयर, सब्सक्राइब नाउ. सो विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19? सो कौन से देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, इनका निधन हो गया था ड्यू टू कोविड-19? करेक्ट आंसर इज लेबिया. एंड इनका नाम क्या था? मोहम्मद जिब्रेल. ओके, कितने प्रतिशत सैलरी डिडक्ट होगी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड अदर MLAs की फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स? दो साल तक जो भी अमाउंट होगा वो सारा यूज़ किया जाएगा. यहाँ पे टू करेंगे आप, सारा यूज़ होगा टू फाइट विद कोविड-19. तो 30% ओके डिडक्शन रहेगा, यानी कि 30% सैलरी अब कम मिलेगी. ओके, देन उसके बाद कौन सी इंडियन स्टेट ने टॉप किया था अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2019-20 की रिपोर्ट है जी. सो इसमें टॉप किया था तमिलनाडु ने. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, डिटेल्स पूरा मिलेगा आपको. कौन से बैंक ने डोर स्टेप फैसिलिटीज़ लॉन्च की है? पहले ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, नाउ सबके लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. फर्स्ट स्टेट जिसने जियो फेंसिंग लाइक यूज़ किया था टू ट्रैक क्वारंटीन वॉयलेटर्स, जो भी जिनको क्वारंटीन किया हुआ है, कुछ वॉयलेट भी करते हैं, सो उनकी लाइक एग्जैक्ट लोकेशन एंड पूरी डिटेल्स आपको ये बताएगा. उनके फ़ोन में ऐप ये इंस्टॉल होनी चाहिए. तो केरल ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, फर्स्ट मामला कोरोना वायरस केरल में ही आया था. ओके, समाधान चैलेंज स्टार्ट किया है, लाइक एक इनिशिएटिव, एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करेगा ये चैलेंज लाइक टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को कुछ न्यू डिस्कवरीज करने के लिए. सो HRD मिनिस्ट्री कौन थी, ये आपको पूछ रहा है रमेश पोखरियाल, इसका करेक्ट आंसर होगा. एंड इसके साथ साथ कुछ और भी हैं, लाइक इसमें इन्होंने सक्षम भी लॉन्च किया था अभी हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड के लिए, वो आपको ज़रूर याद रखना है. भारत पढ़े ऑनलाइन, वो भी एक अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए MHRD मिनिस्ट्री द्वारा. तो रमेश पोखरियाल निशांक इसका करेक्ट आंसर है. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हरिद्वार उत्तराखंड. ओके, 5T एक्शन प्लान कौन सी इंडियन स्टेट के लाइक यूटी के CM ने लॉन्च किया था? सो दिस वॉज लॉन्च बाय न्यू दिल्ली. ओके, बाकी 5T की फुल फॉर्म क्या है पूरी एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो. ओके, किसने चार्ज लिया है स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी ये आपका. इनका नाम आपको जरूर याद रखना, अनुराग श्रीवास्तव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा. ओके, याद रखिएगा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर SJYASHANKAR.
नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए यही पूछ रहा था कि एक बेस कैंप लॉन्च करेगा, बनाएगा 2024 तक, 2024 तक आर्टेमिस इसका नाम रखा जाएगा, ओके, सो मून पे रहने के लिए बेस कैंप फॉर ह्यूमंस। तो ये इसमें ये पूछ रहा था कि स्पेस एजेंसी कौन सी कंट्री की है, तो यूएसए की है, ईजी आपके लिए, ओके। इंडिया ने लाइक प्रतिबंध हटा दिया था एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो इंडिया ने हटा दिया, तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पूछ रहा था। अब इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ को इसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसके साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पैरासीटामोल इंडिया सप्लाई कर रहा है, ओके। सो मलयालन टाइगर नादिया, ओके, इस टाइगर का नाम है नादिया, 4-year-old फीमेल टाइगर जो पॉजिटिव हुई, लाइक रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई कोविड-19 से एट ब्रॉन्क्स यू न्यूयॉर्क यूएसए में। सो ये कौन सी कंट्री में, ओके, तो यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर, ये टाइगर। ट्विटर के सीईओ जिन्होंने अराउंड 1 बिलियन जो डोनेशन दिया, अराउंड 28% ऑफ हिज टोटल वेल्थ, सो इसके सीईओ कौन है ये आपसे पूछ रहा है, तो सीईओ ट्विटर के हैं जैक डॉर्से, ईजी है सबके लिए, सभी आंसर कर सकते हैं। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द फॉर द ईयर 2020, यानी कि अब ये अवार्ड तो 2020 में दिया गया, बट ये फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ईयर 2019 के लिए, ओके। सो किसे दिया गया ये आपको बताना, किसे सम्मानित किया गया, इससे पहले लगातार 3 साल विराट कोहली को मिलता आया, नाउ दिस ईयर बेन स्टोक इंग्लैंड के ऑलराउंडर। फीमेल कैटेगरी में, वुमेंस कैटेगरी में एल्स पेरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, याद रखेगा, ओके। नासा सैटेलाइट एक जो लॉन्च करेगा जो वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स की जानकारी देगा प्रॉपरली, इसका नाम क्या है, CIRS करेक्ट आंसर है, क्यूबसेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस इसकी फुल फॉर्म है, ओके, तो दिस विल बी लॉन्च्ड बाय नासा। सार्क डेवलपमेंट फंड ने 5 मिलियन फंड अलॉट किया फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, तो इसमें बताना था कि सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के, ओके, करेक्ट आंसर है एलासा रुआन वेराकॉन। मेंबर कंट्रीज़ फुल फॉर्म आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 8 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ एंड फाउंडेशन एंड हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। विच क्लॉज वॉन्ट बी अप्लाई टू डेथ क्लेम्स इन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अब फोर्स मेजर क्लास अप्लाई नहीं होगी कोविड-19 की वजह से, अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो क्लेम ले सकता है, इट्स नॉट नेचुरल थिंग, लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से होती है, तो उन केसेस में क्लेम नहीं मिलता, बट ये क्लियर कर दिया गया कि इसमें अगर ऐसा कुछ हो जाता है सो ज़रूर मिलेगा, बिकॉज राइट नाउ कि प्रॉब्लम इसकी वैक्सीन नहीं है, सो इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से क्लियर कर दिया गया अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसमें क्लेम मिलेगा जो भी पेशेंट होगा। वर्ल्ड हेमोपैथी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना था, ठीक है, 10 अप्रैल, ईजी है सबके लिए, फादर सैमुअल हैनमेनन, ये आपको नाम ज़रूर याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट थीम भी याद रख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत जो हमारे लाइक हेल्थ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, सो इस लाइक इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, सो जिसके तहत स्वास्थ्य के सिपाही जो मेडिसिन एंड एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, याद रखिएगा, ओके। देन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री फॉर डेवलपिंग वैक्सीन, सो किसके साथ समझौता हुआ है जब हमें वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑपरेशन शील्ड कौन सी स्टेट द्वारा यूटी द्वारा लॉन्च किया गया था, सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय न्यू दिल्ली, ओके, इसकी फुल फॉर्म, ये पूरा डिटेल्स मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ योर रिविजन पोर्शन, ओके। मैं तो चाहता था कि आपको मैं सिंपली आंसर भी ना बताऊँ, बट इट्स बेटर कि आपको करेक्ट आंसर पता चलता रहे, बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपके। फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने लॉकडाउन एक्सटेंड किया था, उड़ीसा, पंजाब भी कर चुके हैं, महाराष्ट्र ने भी घोषणा कर दी है, एंड 14th ऑफ अप्रैल में ख़त्म होना है, तो जहाँ तक हालात लग रहे हैं इसको एक्सटेंड करना ही इज़ द ओनली सॉल्यूशन अगर बचना है तो, ओके। फोर्ब्स 34th लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे जी, अमीर व्यक्ति बने जेफ बेजोस, ओके, तो याद रखिएगा। गूगल ने न्यू वर्चुअल ब्रायल कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड 5 और एबो, सो इसे लॉन्च किया था, जो भी जो मतलब डिसेबल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो भी फील करके पढ़ पाएंगे, अब कीबोर्ड चला पाएंगे, ठीक है। सो ये पूछ रहा था कि सीईओ कौन है गूगल के, बिल्कुल ईजी है, सुंदर पिचाई इज़ द करेक्ट आंसर। आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप इज पब्लिश्ड, इस बुक की ऑथर कौन है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैरी जॉर्डन इज़ द करेक्ट आंसर। बिकमिंग मिचेल ओबामा की बुक है, ये याद रखिएगा, पूछी जाती है। काली जेनर, ये यंगेस्ट फोर्ब्स की जो अभी लिस्ट आई है, यंगेस्ट बिलियनियर बनी है फ्रॉम अमेरिका, एक इनकी कॉस्मेटिक कंपनी है, ओके, काली जेनर।
So Government of India ne constituted a coordination group like jo private sectors NGO and all international organization ke liye ek head group banaya jo like teeno ke between coordination karne ke liye so isko head kaun karega this will be headed by Amitabh Kant CEO of Niti Aayog Minister of Home Affairs exempted which industry from lockdown restrictions so kaun si like ministry ko lockdown industry ko lockdown restrictions se alag rakha gaya like is pe लॉकडाउन नहीं है बट बेसिक नॉर्म तो फॉलो करने ही करने फिशिंग एंड एक्वाकल्चर मिनिस्टर कौन है इसके श्री गिरिराज सिंह ओके चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया कौन है जी लाइक दो साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया टू द ऑल बैंक बोर्ड ऑफ मेंबर्स का बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन सो इसके जो चेयरमैन है इनके पिक्चर आपके सामने है भानु प्रताप शर्मा ओके हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई Which country is doing best according to the reports from Oxford Dictionary? Okay, Oxford की एक report है इस report के according India is doing well as compared to other countries. USA is at lowest position and ये report के according मतलब देखा क्या कि हमने कितने जल्दी action लिए सीलिंग कर दी हमने schools सारी चीज़ें बंद कर दी तो ये एक report है कि कौन अच्छा कर रहा है among to fight with corona virus तो India number one पे सबसे better कर रहा है आप देख सकते हो कि कितना हद तक हमने control किया इसका एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने डिजीजेन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां कस्टमर्स अपना सेविंग अकाउंट डिजिटली खोल सकते हैं एंड अमाउंट फिक्स कर सकते हैं सो दिस वाज स्टार्टेड बाय जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इसके जो एमडी सीईओ अने अजय कनवाल टैगलाइन पैसे की कदर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे भी आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है यानी कि 12 नॉट आज के टुडे इज 13th अप्रैल 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है सो फर्स्ट टाइम यूरी गैगरिन जो फर्स्ट ह्यूमन जो स्पेस में गए थे विद द हेल्प ऑफ दिस रॉकेट सो करेक्ट आंसर इज 12 अप्रैल 1961 फॉर दिस क्वेश्चन एनएक क्रैकटाओ जो रिसेंटली इरप्ट हुआ कौन सी कंट्री में एक वॉल्केनो हर साल होता है मैक्सिमम टाइम होता ही है द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया फॉर दिस क्वेश्चन ओके वर्ल्ड बैंक ने कितना एस्टिमेट लगाया हमारा जीडीपी का ये आपको बताना तो वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट लगाया वो लगाया 2.8% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2021 मोबाइल ऐप नाडी कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई टू ट्रैक द इन्फेक्टेड पेशेंट्स एंड द क्वारंटाइन पेशेंट्स सो दिस वॉज लॉन्च बाय यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी वेनगार्ड सीरीज सीजन वन कोप ब्रांड की ये बुक है इनकी डेथ हो चुकी है जनवरी मंथ में हुई थी एक एक्सीडेंट में इनकी डॉटर भी थी 13 ईयर्स के साथ में सो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ही इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल गूगल एंड किसने मिलके एक लाइक ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग ब्लूटूथ लाइक जो स्टार्ट किया इनिशिएटिव गवर्नमेंट की मदद करने के लिए रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कोविड 19 सो गूगल एंड एप्पल इज द करेक्ट आंसर आई थिंक गूगल एंड एप्पल ने समझौता किया सो डेट्स ऑल 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर आपको ये बताना कि किसने चार्ज लिया एज द मिनिस्टर ऑफ लाइक स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं आई होप यू हैव एंजॉयड आपको मज़ा आया एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अच्छा अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाकी इस तरह के वीडियोस एंड रिवीजन आपको मिलता रहेगा ताकि करंट अफेयर सेक्शन आपका एक इंटरेस्टिंग सेक्शन एंड एक फेवरेट सेक्शन बन जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं सो थैंक यू मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक टेक केयर बी सेफ बी अलर्ट